जेएनयू से मुंबई तक पहुंचा टुकड़े टुकड़े गैंग। कश्मीर तो बहाना है, पूरा हिंदुस्तान निशाना है। भारत तोड़ो गैंग का इलाज करो। इस प्ले कार्ड पर भले ही दो शब्द लिखे थे, लेकिन इसने पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया, क्योंकि ये सिर्फ दो शब्द नहीं, ये देश की संप्रभुता को चुनौती की तरह है। तस्वीरें मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की है, जहां सोमवार शाम जेएनयू के छात्रों पर हिंसक हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। मामला जेएनयू से जुड़ा था, लेकिन यहां सीएए से लेकर एनआरसी और एनपीआर के विरोध तक में पोस्टर लहराए जा रहे थे। बात यहीं तक होती तो गनीमत थी, लोग तब हैरान रह गए जब एक महिला यहां फ्री कश्मीर लिखा प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन करने लगी। इसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि आखिर क्या हो सकता है फ्री कश्मीर का मतलब। यही ना कि कश्मीर को आजाद करो। जरा सोचिए, ये किसकी भाषा हो सकती है? जम्मू कश्मीर के अलगाववादी ऐसी भाषा का इस्तेमाल बरसों से करते रहे हैं। कश्मीर जैसी भाषा का इस्तेमाल या तो अलगाववादी करते रहे हैं या फिर पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन एक आम भारतीय इस तरह की मांग को खुली हवा में लहराए, ये कैसे संभव हो सकता है और कैसे कबूल किया जा सकता है? वो भी उस भारत में कश्मीर जिसका मस्तक है और वहां धारा अनुच्छेद 370 लगने के बाद पूरी तरह से शांति है। दो शब्दों के ये 11 अक्षर सब कुछ बयां कर रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि इसी हिंदुस्तान में कुछ लोगों के लिए देश की अखंडता अनमोल नहीं, बेमोल है। आपको इस तरह के विरोध का पूरा सच बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुंबई में खड़े होकर कश्मीर की आजादी वाला प्ले कार्ड लहराने वाली इस महिला की पूरी सफाई सुन लीजिए। आई थिंक इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, एंड अगर हमें लगता है कहीं पे ह्यूमंस को तकलीफ हो रही है, हमें सबको उसके लिए आवाज उठानी साथ में चाहिए। जब एक मुद्दे के बात करते हैं तो सब मुद्दों के बारे में बात करना चाहिए। मैं बॉम्बे से हूँ, मैं कश्मीरी हूँ नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हमें हर चीज के बारे में साथ में बात करनी चाहिए। महक, जी हाँ, नाम है महक मिर्जा प्रभु। 37 साल की महक मुंबई में रहती हैं, खुद को लेखक और कहानीकार बताती हैं। कश्मीर पर विवादित पोस्टर वायरल होने के बाद अब इनका दावा है कि मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया, मतलब कुछ और था। महक पर यकीन करें तो वे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट से लेकर कुछ और जरूरी चीजों पर लगी पाबंदियों का विरोध कर रही थी, और वे चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों को भी देश के आम लोगों की तरह किसी बंदिशों के बीच ना रहना पड़े। अब सवाल है कि अगर बात इतनी ही थी तो फिर क्या इस मांग को उठाने के लिए उन्हें यही दो शब्द मिले थे, और वो भी फ्री कश्मीर? They should get the basic rights that we are getting. So they should have the freedom to express themselves. और बस यही ख्याल से मैंने वो पोस्टर उठाया, and that was my only intention in holding that particular placard. हर इशू के बारे में प्लकार्ड बन रहे थे वहां पे, जैसे एनआरसी, सीएए, जेएनयू स्टूडेंट्स ऑफकोर्स, जिसके लिए हम वहां थे, और वहां पे साइड में एक प्लकार्ड पड़ा था विच सेड फ्री कश्मीर। अगर हम कहते हैं वो अपने हैं तो हमें उन्हें अपने जैसा ट्रीट भी करना चाहिए। दे शुड गेट द बेसिक राइट्स दैट वी आर गेटिंग। इनको इतना हल्के में मत लीजिए, क्योंकि चाहे वो भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हर घर से अफजल निकलेगा, या फ्री कश्मीर, इसके कुछ जस्टिफिकेशन लोग दे देते हैं। कोई कहता है वीडियो डॉक्टर था, पोस्टर ही सामने आ गया, तो कहते नहीं वो तो चाह रहे थे कि कश्मीर में इंटरनेट आ जाए, तो वो ही लिख देते वो कश्मीर में इंटरनेट आ जाए। फ्री कश्मीर सबको पता है, हमने कश्मीर में ऐसे पोस्टर पहले भी देखे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये जो पूरा मूवमेंट का माहौल है, इसके कोर में यही है, इसके कोर में एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। आरोपी महक मिर्जा का ये भी दावा है कि उन्होंने खुद ये पोस्टर नहीं बनाए थे, ये बस नीचे रखे हुए थे और मैंने उठा लिया। इन बातों पर यकीन करना भी आसान नहीं। अगर महक ने इस पोस्टर को बस उठा भर लिया था तो इससे जाहिर है कि कोई तो वहां था जिसने ऐसे प्ले कार्ड बनाए थे, और विरोध प्रदर्शन के दौरान इसे लहराने की पहले से तैयारी थी। सुर्खियों में आते ही ये तस्वीर विवाद का सबब बन गई। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने तस्वीर को ट्वीट करके सीएम उद्धव ठाकरे पर सवाल दागे। देवेंद्र फडणवीस ने पूछा कि क्या आपको फ्री कश्मीर भारत विरोधी अभियान बर्दाश्त है। शिवसेना ने फौरन सरकार का बचाव किया। पार्टी ने कहा कि कश्मीर की आजादी की बात करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही पार्टी ने पोस्टर लहराने वाली महिला का भी बचाव किया। फ्री कश्मीर का मतलब है मेरे हिसाब से जिस तरह से वहाँ इंटरनेट बंद है, मोबाइल सेवा बंद है, लोगों के आने जाने में बंधन डाले हैं, उसे फ्री करो, ऐसा हमने आज पढ़ा अखबार में और टीवी पे। जो लड़के जो थे वो बोल रहे थे कि हमारे ऊपर बहुत ही बंधन डाले हैं, मीडिया डाले हैं, उसे फ्री करो। हिंदुस्तान से फ्री करने की भाषा अगर कोई करता है तो इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाए। सियासत इसी को कहते हैं जिसमें चश्मा बदल जाए तो लोगों का नजरिया भी बदल जाता है। दीवारों पर लिखी इबारतें भी अपने मतलब के मुताबिक समझी जाती हैं। ये वही शिवसेना है जिसे एक दिन पहले जेएनयू के छात्रों पर नकाबपोशों का हमला 26/11 के आतंकियों के हमले जैसा लग रहा। ये तो कायर थे, कायर है, और ऐसी कायरता का कभी भी अपने हिंदुस्तान में समर्थन नहीं हो सकता। और जिस तरीके से मैंने देखा टीवी पर, तो ये तो मुझे 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई। तो ऐसे हमले तो मैं तो मार्च में नहीं बर्दाश्त करूंगा। सवाल ये नहीं है कि इस मुद्दे पर सियासतदान कैसी राजनीति कर रहे हैं, यहाँ सवाल यह है कि झूठ और अफवाह पर आधारित मुद्दों पर हिंसा की आग लगाने के बाद अब पर्दे के पीछे वो कौन है जो विरोध के सुर को राष्ट्र विरोध में बदल रहा है। आखिर वो कौन है जो कभी सीएए के नाम पर मुसलमानों को देश से बाहर किए जाने का डर दिखाता है तो कभी एनआरसी को इसकी गारंटी बताता है। आखिर वो कौन है जो कभी एनआरसी तो कभी एनपीआर पर लोगों में खौफ पैदा कर उन्हें भड़का रहा है और देश की शांति भंग करने के लिए उन्हें सड़कों तक ले आ रहा है। वो कौन है जो जेएनयू में नकाबपोशों के हमले को कश्मीर की आजादी से जोड़ रहा है। ये सिर्फ कड़ियां नहीं जुड़ रही, ये जाहिर करती है कि कोई तो है जो देश में अराजकता पैदा करने की, इन सब चीजों से प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3 हफ्ते में पूरे देश ने देखा है कि कैसे नकाबपोशों ने देश की शांति भंग करने की कोशिश की है। शहर शहर में आग लगाने की साजिश रची गई। देश ने देखा कि सीएए के नाम पर पत्थरबाज गैंग ने कैसे कोहराम मचाया, मुखौटे की आड़ में कानून की धज्जियां उड़ाई। सबने देखा कि कैसे सीएए और एनआरसी के नाम पर सड़कों पर दंगाइयों ने उपद्रव किया। इनमें से कई के चेहरे पर मुखौटे थे, लेकिन असली नकाबपोश तो भीड़ के पीछे ही छिपा रहा। सबने देखा कि सीएए के नाम पर कैसे अफवाह गैंग ने माहौल खराब किया, सोशल मीडिया पर झूठ का बवंडर पैदा किया और हजारों युवाओं को नकाबपोशों ने गुमराह कर डाला। सबने देखा कि कैसे प्रोपेगेंडा गैंग फौरन एक्शन में आ गया और कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई को दमन बताने में जुट गया। और अब फ्री कश्मीर गैंग सामने है, अभी पोस्टर लहराए गए हैं, कल को एक नया नैरेटिव गढ़े जाने की तैयारी होगी। सवाल है कि क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने जेएनयू में कश्मीर की आजादी के नारे लगाए थे। वो आजादी गैंग जिसके लिए देश की एकता और अखंडता कोई मायने नहीं रखती, और इन तमाम गैंग का वास्ता टुकड़े टुकड़े गैंग से है जिसका मकसद हिंदुस्तान की एकता को खंडित करना है। लोकतंत्र इनके लिए मुखौटा भर है, जब भी इन पर शिकंजा कसता है ये लोकतंत्र की दुहाई देते नजर आते हैं, और जब सख्ती नहीं होती है तो देश के विरोध के एजेंडे को खुलेआम आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर को फ्री करो ये सब बोलना मेरे हिसाब से कोई भी भारतीय नागरिक के लिए बिल्कुल अनुचित है, और इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता फ्री स्पीच के नाम पे। आजकल जो ये नारे लगा रहे हैं ये पब्लिसिटी के लिए लगाते हैं लोग। जो ये कानून बदला गया है ये हमारे पार्लियामेंट ने बदला है, और हमारे पार्लियामेंट को हम लोगों ने ही इलेक्ट किया है, तो उनको पूरा अधिकार है बदलने का। अगर वो गैर कानूनी है या संविधान के खिलाफ है तो उसके लिए कोर्ट है, और कोर्ट में ऑलरेडी याचिका पड़ चुकी है।
ये सच है कि संविधान ने हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार दिया है, लेकिन इस अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। कोई ये नहीं भूले कि देश के संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। अगर हम अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की संप्रभुता के खिलाफ कोई बात करेंगे तो इसे कैसे जायज ठहराया जा सकता है? दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं और इनमें से ज्यादातर ने अपने चेहरे पर मुखौटा लगा रखा है। तो वो कोई रैंडम नहीं है कि भाई ऐसे ही उसने फ्री कश्मीर ले लिया। अगर उसको लिखना ही था तो एक पट्टी और लगाई थी, फ्री कश्मीर फ्रॉम इंटरनेट बैन, है ना, उसे लिखने में क्या जा रहा था। लेकिन फ्री कश्मीर का सबको पता है क्या कनोटेशन होती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमको राइट मिला है, वो भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है कि आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, आप देश के विरोध में नहीं बोल सकते। सरकारों के विरोध में बोल सकते हैं, लेकिन आप देश के विरोध नहीं बोल सकते। कानून में एक फ्री स्पीच हर नागरिक को दिया गया है, लेकिन फ्री स्पीच इस हद तक ना चला जाए कि वो एक देशद्रोह का उसमें कोई बू आने लगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो एक जिम्मेदारी एक आदमी को फ्री स्पीच करने के समय ध्यान रखना चाहिए कि फ्री स्पीच एक ऐसा लिमिट ना क्रॉस करे या ऐसा एक उसका रेखा ना पार करे जिसमें कि वो फ्री स्पीच को आप देशद्रोह के उसको दायरे में आप डाल दीजिए, क्योंकि देशद्रोह जो है बहुत ही संगीन अपराध है। न सोचना, न समझना और सीधे देश की अखंडता को चुनौती दे डालना, आखिर ये कौन सी हवा है जो पढ़े लिखे लोगों को इस कदर गुमराह कर रही है कि वो सच और झूठ में फर्क करना भूल जा रहे हैं? या फिर ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? इसकी तफ्तीश जरूरी है, क्योंकि सबसे ऊपर देश का हित है, जिससे कोई समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब कश्मीर वापस मुस्कुरा रहा है, जब जम्मू कश्मीर में हर तरफ शांति है, जब अनुच्छेद 370 की विदाई के बाद धरती के स्वर्ग का हर बाशिंदा चैन की सांस ले रहा है, जब जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का नामोनिशान खत्म होने को है, जब कश्मीर में विकास की नई सुबह दस्तक दे चुकी है, तो वो कौन लोग हैं जो मुंबई पहुंचकर कश्मीर की आजादी की मांग कर रहे हैं? ये समझ लेना जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जेएनयू का जो टुकड़े टुकड़े गैंग कश्मीर की आजादी की मांग को लेकर विवादों में रहा है, वो एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। पांच जनवरी को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए प्रदर्शन में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद भी मौजूद थे। उमर खालिद जेएनयू के उन छात्र नेताओं में शामिल हैं जिनका नाम दिल्ली पुलिस की उस चार्जशीट में है जिसमें उन पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। अब तक आपने सीए, एनआरसी और एनपीआर के नाम पर सड़कों पर बवाल मचते देखा है, लेकिन अगर अब कश्मीर के नाम पर शुरू हुए नए प्रोपेगेंडे को हवा दे रहे नकाब पोशों को बेनकाब नहीं किया गया तो यकीन मानिए कि ये फिर देश को शर्मसार करने की हरकत कर सकते हैं, एक बार फिर ये अफवाह की आग लगा सकते हैं। सीए, एनआरसी, स्टूडेंट फी हाइक, ये तो बस आपको मुद्दा कोई चाहिए, आप कैसे बार बार फ्री कश्मीर कह पाएंगे, तो बाकी सब तो केवल आवरण है। कोर में यह है कि ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनको आप अर्बन नक्सल कह लें, कुछ तो छुपे हुए हैं छत्तीसगढ़ में या फिर झारखंड में, जो बिल्कुल बंदूक के बल पर स्टेट के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, और ये उनके बेसिकली सरपरस्त हैं जो इनको इंटेलेक्चुअल कवर देते हैं और बीच बीच में सामने आते हैं। हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था की बुनियाद है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। ये देश के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित दो शब्द मात्र नहीं है, ये इस देश की मान्यता भी है। लेकिन इसी देश में सत्य को हराने की कोशिश हो रही है, एक झूठ से इस भरोसे को झुलसाने की कोशिश हो रही है। सवाल है कि वो कौन लोग हैं जिनके दिल में शांत कश्मीर को देखकर आग लगी हुई है,
वो कौन लोग हैं जो इस बात से बेचैन हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर के लिए कैसे शांति की बुनियाद बन गया। वो कौन लोग हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंटवारे के बाद यहाँ हो रहा विकास रास नहीं आ रहा और अलगाववादियों की भाषा बोलने पर ये उतर आए हैं। जिस तरह से ये आंदोलन इस देश में चल रहा है, ये बड़ी दुखद बात है कि इस तरह का आंदोलन इस तरीके से लिया जाए, जहाँ पर कि जो नारे जो लग रहे हैं आंदोलन में, वो नारे लगाते समय लोग भूल जा रहे हैं कि उन नारों का क्या मतलब है और उस नारों से देश का अखंडता पे क्या असर पड़ेगा उसका। क्या फ्री कश्मीर का नारा लगाने वालों को ये नहीं मालूम कि भारत के अविभाज्य हिस्से जम्मू कश्मीर के 13,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है? क्या उन्हें ये नहीं पता कि देश की संसद का ये सर्वसम्मति से लिया गया संकल्प है कि हम पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को वापस हासिल करके दम लेंगे? अगर उन्हें सब मालूम है तो फिर फ्री कश्मीर का नारा लगाने का मकसद क्या है? क्या ये बात देश के खिलाफ नहीं जाती? देखिए, अगर आप देखें तो है कि हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, हर डिबेट, हर बिल पे, हर एक्ट पे सबको अपनी ओपिनियन रखनी चाहिए। लेकिन देखिए ट्रेंड क्या है, CAA 1 तारीख में पास होता है, उसके 6 दिन बाद जामिया के बच्चे जगते हैं। एक 3 पेज के डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए जामिया के इतने इंटेलिजेंस, उनको 6 दिन लग गए, उनको वो भी राहुल गांधी की रैली के अगले दिन। उत्तर प्रदेश के लोगों को 10 दिन लग जाते हैं और एक जुम्मे की नमाज लग जाती है उस 3 पेज के डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए, तो उसमें आप सीधे समझ सकते हैं। बात सिर्फ दिल्ली और मुंबई तक सीमित नहीं रही है, देश में कुछ संगठन ऐसे हैं जो बार बार कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं। इन पर नजर रखनी होगी, इन्हें सिर्फ गुमराह मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इनका इलाज जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।